इस फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा? जी, इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है. मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारती, वहां पर बहुत काम किया है. तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है. आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं. यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स. जी हाँ, मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म ब्रॉड से यहाँ ऑपोजिट अर्शद वारसी शुड बी रिलीजिंग इन 2017. बस प्रे करिए. Okay, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने सुनाया है जब हम इस तरह का टेलर इज रियली अमेजिंग, नॉट ओनली मी ईच एंड एवरीवन सिटिंग इन द प्रमाइसेस एग्री विद दिस. ये सेंसिटिव मुद्दा चुनने की कोई खास वजह? जब हम पैगाम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है, इससे पहले जो दूर आई थी वो और उसके बाद अभी आप लेके आ रहे हैं, और मैं जब मुस्लिम समाज की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा मुख्तलिफ सबका एक नजरिया रहता है कि आप मदरसे जाइए तो बेहतर है या दुनिया भी अखबार से आप पढ़ें, तो क्या क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर? अगर मैं मैसेज की बात करूं, और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएं या राजनेताओं की तरफ से आ जाएं, यू नेवर नो. देखिए, इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पे गए थे, अभी हम जेएनयू में भी जाने वाले हैं. मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा. और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं. आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिविटी सिनेमा को मुझे ऐसा व्यक्ति है, जिसमें मैंने पहला भी कहा कि जरूर हर बात में जिंदगी में मनोरंजन नहीं हो सकता. सिनेमा बहुत सेंसिटिव माध्यम. मैं ईरानियन फिल्मों का फैन, मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, देखता हूँ ज्यादा. माजिद मजीद जी का और सत्यजीत रे जी को मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत उनका सिनेमा देखा और समझा. तो सिनेमा के जरिए बातें, जो खूबसूरत कहानियां कही जा सकती हैं, वो सेंसिटिव भी हो सकती हैं, ताकि वो एक असर छोड़े, एक समाज के ऊपर अपनी बात कहें. तो ये उसी तरह का सिनेमा है. और जो आपने कहा ना मैसेज क्या है, मैसेज तो मैंने वही कहा, ये सिनेमा जो है एक मोटिवेशन है कि आपको लगता है जिंदगी में. और मैंने अलीगढ़ में, मुझसे जब सवाल पूछा गया इस तरह का, बहुत हार्श था माहौल वहां का, थोड़ा कुछ लोग नाराज भी थे उसमें से, कुछ लोग पड़े थे उनको लगा कि प्रोटेस्टिव भी थे. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, वहां पे होता है ये है कि उन्होंने एक मदरसे से स्कूल की तरफ का कोर्स भी शुरू किया है कि जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनको स्कूल में कैसे डाला जाए या वो मुख्य धारा की एजुकेशन से कैसे जुड़े, इसका इस बाकायदे कोर्स शुरू किया. तो वहां भी इस तरह की बातें थी, लोगों को थोड़ा लगता है. वहां एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा. मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है. मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में हूँ. मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है? उसने कहा हाँ. मैंने कहा तुम्हारे पास अभी चार अटेम्प्ट है, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के डीएम बन जाओ, अलीगढ़ के एसपी बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा, आप कुछ नहीं है. इसलिए आपको अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, तो कुछ थोड़ी इस तरह हैरेस कर पाएगा आपको ऐसा लगता है. तो ये एजुकेशन वाली बात है, जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, यही मुद्दा हमने इस फिल्म के जरिए ध्यान दिया. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस अलीफ प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, स्टार कास्ट किस बिना पे जीरो डाउन करी आपने? और क्या आपको कहीं नहीं लगता है, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नीलिमा जी, टू भावना पानी, ईच एंड एवरीवन, स्टार कास्ट जो बहुत ज्यादा कमर्शियल सक्सेस रहती है या बहुत कामयाब रहती है, उनको अगर हिस्सा बनाते तो कुछ ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलती? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं जिंदगी में क्या होता है, खासतौर पर सिनेमा, खासतौर पर कहानियां ये जो होती है ना, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं. और सिनेमा वही बन पाता है जो मैंने मुंबई में रहकर देखा है, जिसके लिए लोग भी सामने से आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भी आपसे कहते हैं. देखिए मैं नया डायरेक्टर हूं और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई इस बात को कहने में इतराज नहीं कि मैं अभी क्या, मैं आप अगर लाइनअप करा दे तो आपके शायद कनेक्शन हो. अब मैं शाहरुख खान को फोन करूं, मैं बना रहा हूं फिल्म, आप दीजिएगा, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये वही वाली बात है. लेकिन जो सामने से विलिंग है करने के लिए, जिसका एक व्यक्तित्व है, जो अच्छा काम जिसने किया है, उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात. ये टीम वैसी थी, मुझसे ज्यादा विलिंग सामने वाले थे, नहीं आपकी कहानी अच्छी है, हम आपकी कहानी का हिस्सा बने. ये एक उनके लिए, मतलब मुझे लगता है उनकी, उन्होंने मुझे इज्जत दी इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, ये मैं हमेशा मानता हूँ. क्योंकि उनके लिए, उनके सामने भी मैं नया हूँ. जैसे इन्होंने भी सवाल पूछा कि भावना जी जिस तरह से काम करते हैं, नीलिमा जी काम दुनिया से छुपा नहीं है, उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे इस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया उसमें,
जो कि अब तक छुपा था, जो फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा क्योंकि उस कहानी में हमने थोड़ा सा भी अंडर क्लिक किया है पब्लिसिटी में, लेकिन जब निकल की चीजें आएंगी तो लगेगा कि किसकी फिल्म है। ये वो वाली बात है, उन्होंने भी इज्जत दी मुझे और धीरे धीरे सिनेमा बनता है, धीरे धीरे ग्रो होगा तो फिर आगे भी अच्छी चीजें बनेंगी। जी नीलिमा जी, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फिल्म ALIF? क्या ऐसा खास लगा आपने, आप इस फिल्म का हिस्सा बनी, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ALIF? देखिए सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नजरिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का, और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है ज़रूर, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि सहम ने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई पॉलिटिकली सोशली बहुत सेंसिटिव है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ, इतनी मोहब्बत से इन्होंने इतनी मुश्किलात फेस करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो है उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके खानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहां तक ये फिल्म पहुंचे इंशाल्लाह, और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत जरूरी थी, ये फिल्म बहुत जरूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक फॉरवर्ड द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री शुड बी एजुकेटेड। थैंक यू सो मच। जी उसके लिए हमने, मैं दिल्ली में ऑडिशन कर रहा था मैं काफी, और दिल्ली लखनऊ बनारस में चूंकि मुझे शूटिंग करनी थी, वहां भी हम दो तीन महीने से लगे हुए थे कि कुछ अच्छा मिल जाए उस फ्लुएंसी के साथ, जिसकी बात अच्छी हो, थोड़ा दिखने में वैसा हो जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सके, यही सबसे बड़ी मुहिम थी हमारी बच्चे को ढूंढने में। फिर सडनली मेरे एक दोस्त है कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फोन आया कि यार एक लड़का है, देखते हैं कैसे उसके साथ करना है। तो फिर मैं उससे मिला, सऊद है, मोहम्मद सऊद ये है, इन्होंने काम किया है काफी वैसे टीवी में, और तो मैंने इनका काम मैंने देखा नहीं था। तो फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर इनको ट्रेन करने में तो खैर बड़ी बड़ा मजा आया, और हमने कई सारी वर्कशॉप की लगातार, और इनको बनारस में भी हमने काफी कैसे वहां के बच्चे चलते हैं, कैसे करते हैं, मदरसे के बच्चे हैं, और ये अच्छी चीज थी कि ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो इनको बहुत सारी चीजें पता भी थी कि मैनरिज्म क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। तो ये प्रोसेस था जो हमने कई शहरों की, और फाइनली हम तलाश हमारी मुंबई में ही। जी मेरा सवाल नीमा जी से है। जी मैम, ALIF मूवी के जरिए आपने दोबारा से इंडस्ट्री में कमबैक किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस आप लोगों का साथ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और दिल में बस एक ही ख्याल है कि आप लोग फिर इश्क करें मुझसे, और ज़ैगम ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम, बहुत ही प्यारा किरदार मिला मुझे और मैंने कोशिश की है। मेरा डायरेक्टर साहब से सवाल हो सकता है, मेरा सवाल कुछ विवादित हो लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ये सब सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में फिल्म को दिखाया और वहां पे प्रतिक्रिया दी, आने वाले वक्त में क्योंकि मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे की तालीम की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई मौलाना या मौलवी उठ के आप पे फतवा जारी कर दे, क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि उन्हें भी फिल्म दिखाई जाए?
कहाँ फिल्म दिखाई जाए? मदरसे मदरसे मैंने तो आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि चूंकि मेरी मेरी जमीनी तैयारी ज्यादा थी इस फिल्म को लेके, जमीनी तैयारी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कई जगहों पे दिखाया है, बच्चों को भी, मदरसे के बच्चों को भी दिखाया है। देखिए बात होती है क्या, मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि दो चीजें होती हैं कि आप किस चश्मे से किस चीज को देखते हैं। एक चीज होती है नेगेटिविटी से देखना, एक चीज होती है पॉजिटिविटी से देखना। तो इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा चीज, इसका चश्मा बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीजों को दिखाने की कोशिश है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है एतराज करना किसी का। वो मुझे लगता नहीं इस तरह की बात निकल के सामने आए। नीलिमा जी माफी चाहूंगा, आपको उठना पड़ेगा, मेरा आपसे सवाल है। जैसे आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लिहाज से अलीफ के जरिए हम एजुकेशन की क्या अहमियत है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके हिंदुस्तान के पिछड़े इलाकों में, दूर दराज के गांव। शाहिद खुद भी एक फादर बन गए, उनके भी घर में एक बच्चा है, तो क्या आने वाले वक्त में हम शाहिद को अलीफ प्रमोट करते हुए देखेंगे? क्योंकि एजुकेशन की बात है, इज ऑलवेज देयर फॉर अ कॉज विच इज गुड। छोटी सी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम नीलिमा अजीम है और वो मेरा बेटा है, वो क्या करना चाहेंगे, वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्में कर रहे हैं, तो अलिफ क्यों नहीं करेंगे, वो उनके पास अच्छी फिल्म जाएगी तो जरूर करेंगे, लेकिन ये अलिफ का प्रमोशन है और अब अलिफ क्यों।